Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 83 को लेकर बड़ी खबर है। इस फिल्म की रिलीज तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह फिल्म अप्रैल महीने में रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ अहम बातों को लेकर अब फैसला लिया गया है कि फिल्म 30 अगस्त साल 2019 के दिन रिलीज होगी। साल 1983 में भारत को क्रिकेट विश्व कप में मिली पहली खिताबी जीत की कहानी पर आधारित इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह कप्तान कपिल देव की भूमिका में देखा जाएगा, जबकि पहले यह कहा जा रहा था कि यह फिल्म कपिल देव की बायोपिक फिल्म है। हाल ही में रणवीर सिंह ने 1983 विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात की। मुंबई में आयोजित इस इवेंट में रणवीर की मुलाकात दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव से हुई। कपिल देव के अलावा संदीप पाटिल, मदन लाल, चेतन शर्मा, बिशन सिंह बेदी, श्रीकांत समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ रणवीर ने खूब मस्ती की। इसके बाद अभिनेता ने सारी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इवेंट में देखा गया कि रणवीर और कपिल की बॉन्डिंग बेहतरीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कपिल को विश्वास है कि उनका किरदार केवल रणवीर ही निभा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत ने कपिल की कप्तानी में 1983 में आयोजित क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में वेस्टइंडीज को मात देकर पहला खिताब जीता था। इस ऐतिहासिक जीत की कहानी पर आधारित फिल्म का निर्देशन कबीर खान करेंगे और इसे फैंटम फिल्म्स द्वारा निर्मित किया जाएगा। फिल्म की पटकथा का काम पूरा हो चुका है। हालांकि रणवीर के अलावा अभी तक टीम के अन्य खिलाड़ियों का किरदार निभाने के लिए स्टार्स की घोषणा नहीं की गई है।